गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ योर चैप्टर 8 ऑन योर पेज नंबर 65। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट इज एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। बेटा जो एयर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। एवरीथिंग विच हैज़ वेट एग्जर्ट्स प्रेशर। बेटा कोई भी चीज़ जिसके पास वेट है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। सिमिलरली एयर ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर। उसी तरीके से एयर भी प्रेशर एग्जर्ट करती है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एयर प्रेसेस डाउनवर्ड्स ऑन एवरीथिंग। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एयर है वो हर चीज़ को नीचे की तरफ प्रेस करती है। द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर। और यही जो एयर का वेट होता है किसी भी चीज़ के सरफेस पर, उसी से एयर प्रेशर क्रिएट होता है। We make use of air pressure in a syringe for filling ink in a pen or sucking liquid through a straw. बेटा हम एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं किसमें? सिरिंज में करते हैं, जो ये आपके इंजेक्शंस वाले होते हैं इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए, इसके अलावा पेन में जो इंक होती है उसको फिल करने के लिए, या फिर किसी स्ट्रॉ से लिक्विड को सक करने के लिए। इन ऑल दीज केसेस फर्स्ट वी फोर्स द एयर आउट Only then the liquid starts flowing in. हर एक केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेस करते हैं एयर को बाहर निकालने के लिए, जिससे कि जो लिक्विड है वो अंदर फ्लो कर सके। Try sucking through a straw with a hole near its top. अब आप ट्राई करिए कैसे कि एक स्ट्रॉ से लिक्विड को सक करने का, उसके टॉप पर जो होल होता है उसकी हेल्प से। Now turn your page. इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर अप्लाई करती है, डाउनवर्ड भी प्रेशर अप्लाई करती है, इवन सभी डायरेक्शन में एयर आपके प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। लाइक एयर वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बेटा जैसे एयर, उसी तरीके से वाटर भी ज़रूरी है अर्थ पर लाइफ के लिए। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एटसेट्रा। बेटा ह्यूमन्स को वाटर की ज़रूरत होती है ड्रिंक के लिए, कुकिंग के लिए और बाथिंग के लिए। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कीपिंग देयर बॉडी क्लीन। और एनिमल्स को वाटर की नीड होती है किस लिए? ड्रिंकिंग के लिए और अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। मैनी एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं। प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ तक कि प्लांट्स भी वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं। नाउ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, मतलब वाटर में क्या इम्प्योरिटीज़, क्या अशुद्धता प्रेजेंट होती है। वाटर कैन डिजोल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट। बेटा जो वाटर है, वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेज डिजोल्व हो सकते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस हम डिजोल्व कर सकें। ठीक है, दस इट मे हैव इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। तो इसीलिए इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं और होती हैं। इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन रिवर और वेल वाटर कैन बी ग्रुप्ड इन टू। अब बेटा जो रिवर और वेल वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं उनको अलग अलग ग्रुपिंग की गई है। सबसे पहली है बेटा इन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी हैं आपकी सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, मीन्स जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती हैं। इनसॉल्यूबल वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सॉल्यूबल वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। एंड थर्ड आपकी डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट सम लिक्विड्स डिजॉल्व इन वाटर बट अदर्स डू नॉट। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब एक सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउ योर होमवर्क इज, बेटा ये आपको पेज नंबर 66 पर जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। ओके, थैंक यू क्लास।